दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपका मनपसंद कार्यक्रम साप्ताहिक के लेकर, जिसमें हम आपको बहुत कम समय में देते हैं हमारे हर कार्यक्रम की पूरी जानकारी। तो अगले एक घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि हमारी टीम ने आपके लिए सबसे इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आप और हमसे। इस हफ्ते हमारे साथ थे कृषि अनुसंधान एवं विकास केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय सिंह। साथ ही हमने इस हफ्ते चर्चा की थी मशरूम पर। आइए डालते हैं एक नजर। मशरूम के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका लंबा शोध है, इससे जुड़े आपके लंबे रिसर्च रहे हैं कि मशरूम में काफी संभावनाएं दिखती हैं प्रोडक्शन वाइज भी, और अगर देखा जाए तो खाद्य के रूप में भी। ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा और स्वादिष्ट भी था। फिर भी ये आम भारतीय में इसका चलन नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। क्यों? बाजार नहीं हो पा रहा है, पैदा ही नहीं हो पा रहा बाजार। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि जितनी संभावनाएं हैं उतने जो है ग्रोथ नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं है। इसमें जो है आप ये समझ सकते हैं कि कुछ अज्ञानता की वजह है। अभी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि मशरूम जो है खाने में बहुत जो पौष्टिक आहार है ये, और ये जो है इसमें नॉन वेज से भी ज़्यादा बेटर है। अच्छा, कई एलिमेंट इसमें ऐसे हैं जो कि वेज में कहीं नहीं मिलते, जैसे कि अगर कहा जाए कि ये जो है शुगर पेशेंट के लिए जो है बहुत फायदेमंद है। शुगर पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, हर प्रकार के रोगी के लिए तो बिल्कुल अच्छी है ये। साथ में जो है ये इसमें इसे फाइबर कॉन्टेंट इतना अच्छा होता है कि ये सब पाचन शक्ति बहुत अच्छा रखता है। तो मशरूम को अगर नहीं खाते तो खाना चाहिए, पहली बात तो ये है। ये जानकारी का अभाव है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही। दूसरी बात है कि भ्रांति यहाँ हमारे समाज में ये रही कि सांप की छतरी है, और सांप की छतरी जो है इसकी वजह से ये, और ये नॉन वेज है इसकी वजह से ये बढ़ नहीं पाई। तो आम लोग जो है इसको खाना पसंद नहीं करते, भाई गंदी जगह में पैदा होती है, कुकुरमुता कहते हैं, अलग अलग नाम से जो है, तो सांप की छतरी ज़्यादातर इसको कह के जो है नकार दिया जाता है। सांप की छतरी नाम इसलिए पड़ गया कि भाई ये इसमें मशरूम्स में जो है ना एडिबल भी हैं और नॉन एडिबल है, हाईली पॉइजनस मशरूम्स भी हैं, और कई युद्धों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है जो हिस्ट्री बताती है। हमारे हालांकि हमारी जो चर्क संहिता है उसमें भी जिक्र है कि मशरूम को जो दवाई के रूप में प्रयोग किया गया। ट्राइबल एरिया में कई ऐसे मशरूम है जो जहरीले साबित होते हैं। जहरीले ट्राइबल क्या है, अपने बारिश के बाद भी आ जाते हैं जो जहरीले होते हैं, इसलिए ताकि इसको खाएं नहीं बिना, क्योंकि देखने से हम नहीं बता सकते कि ये जहरीली है कि ये एडिबल है। जो हमारे देश में अभी मशरूम हो रहा है उसमें से कितना प्रतिशत जो है हम कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में खप रहा है, और कितना इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है? अभी एक्सपोर्ट वाली जो बात है वो कोई खास नहीं है, कुछ ही दशमलव में ही है। रीज़न क्या है, हमारा उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, या हम सब कंज्यूम कर जा रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है? हमारे देश में ही कंजम्पशन हो रही है। अच्छा, जो भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे फ्रेश की भी अच्छी डिमांड रहती है, और फिर जब मशरूम नहीं पैदा हो रही होती तो कैंड मशरूम जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो लोग होटल्स में मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है सारी, यानी कि यहीं पर अभी फिलहाल कंजम्पशन हो रही है। कंजम्पशन कितना प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है, कुछ आपको इसका अंदाजा है? ये मान लीजिए 1-2% के हिसाब से चल रहा है। अभी हमारे देश की जो कुल उत्पादन जो है 1,00,000 टन के करीब है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो अभी पैदावार में भी काफ़ी स्कोप है और कंजम्पशन में भी काफ़ी स्कोप है। अब बात करते हैं उन किसानों की, और खासकर उन मजदूरों की जो उसके उत्पादन में लगते हैं। अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो अनऑर्गेनाइज रहा है। आप भी बता रहे हैं कि साल भर में अगर वो एडॉप्ट करें चक्र को, और खासकर इस एरिया में जहाँ पर कि हम खड़े हैं, यहाँ के किसान अवेयर हैं, लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्सों में किसान इस तरह से अवेयर नहीं है। वो केवल अक्टूबर से लेकर मार्च तक जो है एक बटर मशरूम की खेती करते हैं, और उससे उनको एक लाभ मिलता है, उसके बाद बंद करते हैं। इससे लगे जो मजदूर हैं उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं, एक अपने आप में समस्या है। तो क्या सरकार की तरफ से या कोई अवेयरनेस कैंपेन या किसी तरह से ऐसे उनको मशरूम से जोड़ा जाए जिससे कि वो प्रोडक्शन अपना जारी कर सके, सेल्फ सस्टेन हो सके? क्योंकि इसमें खेत की ज़रूरत नहीं होती, जैसे अब उपजाऊ खेत की ज़रूरत नहीं है, बंजर भूमि पे कर सकते हैं, वो अपने घरों में कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की कोई ट्रेनिंग योजनाएँ इस तरह से हैं जिससे कि उन्हें जोड़ा जा सके? बिल्कुल, भारत सरकार का और हर एक सरकार के कार्यक्रम चलते हैं इस डेवलपमेंट के लिए, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन हो और मजदूर और पढ़े लिखे सब लोग अपने अपना व्यवसाय कर सकें। उसके लिए मशरूम उत्पादन एक खासतौर पर अच्छा साबित हो रहा है, जहाँ भी किसानों ने या मजदूरों ने अडॉप्ट किया है,
छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक, यानी कि जो कम लागत में करते हैं तो वो सीजनल कल्टीवेशन में झोपड़ी बना के कास्ट कर रहे हैं, और जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं या जो थोड़े इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो वो सारे साल मशरूम उत्पादन करते वो हैं। ज़्यादातर मुझे नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखे, साउथ इंडिया में ही दिखा है जो ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने अगले कार्यक्रम बुनियाद है मजबूत की। इस कार्यक्रम में हम आपको उन तमाम संस्थानों से रूबरू करवाते हैं जो देश में कृषि, पशुपालन और पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर काम कर रहे हैं। इस हफ्ते हम आपको लेकर गए थे उत्तराखंड के भीमताल में स्थित शीतजल मत्स्यकी अनुसंधान निदेशालय में और रूबरू करवाया था संस्थान से जुड़ी कुछ रोचक बातों से। शीतल जल मत्स्यकी की बात की जाए तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन और भारत के ऊपरी भूभाग में रहने वाले आर्थिक रूप से वंचित आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए काफी बड़ी क्षमता है। मत्स्य पालन क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और अवसरों का उपयोग करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसी सोच को एक महत्वपूर्ण शक्ल देने की शुरुआत की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में पानी एक प्राकृतिक संपदा है जो मछली पालन व्यवसाय के लिए अपने आप में ही महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। देश में 2500 से अधिक मत्स्य प्रजातियां हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में करीब 200 से 258 प्रजातियां उपलब्ध हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कम नहीं है। अगर आप नदी को ही देखें तो 10,000 किलोमीटर की क्षेत्र का नदी है, हमारे 50,000 हेक्टेयर के रिजर्वायर्स हैं, 25,000 हेक्टेयर के करीबन लेक्स हैं, तो और इस तरीके से जो हमारी संपदा है नेचुरल रिसोर्सेज वाटर बॉडीज वो अत्यंत हैं। जो ऊंची हिमालय की एरियाज हैं, हाई अल्टीट्यूड्स हैं, जिनमें कि ज़्यादा ही ठंडा पानी है, कूल वाटर है, जिसमें हम ट्राउट मछली का कल्चर कर सकते हैं, ऐसी मछली के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा एक प्रक्षेत्र है यहीं यहाँ से करीबन 180 किलोमीटर दूर चंपावत में स्थित है, जहाँ हम ट्राउट का पालन कर रहे हैं और इनके तकनीकी विकास करके और फार्मर्स को देने की चेष्टा कर रहे हैं। पहाड़ में किए जाने वाला मछली पालन आय का एक अतिरिक्त साधन है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग खेती भी काफी कर रहे हैं, वहीं पानी के समुचित सदुपयोग की ओर संस्थान कार्यरत है। DCRF ऐसी बुनियादी सुविधाएं तैयार कर रहा है जिससे पानी का संरक्षण हो सके। अभी हमने पॉलीटैंक टेक्नोलॉजी, एक हमारे पड़ोस में एक संस्थान है VPKS विवेकानंद पर्वतीय संस्थान, इसके साथ मिलकर के हमने एक इस तरीके का एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिसमें कि हम पॉली टैंक्स बना करके पानी को संरक्षित कर सकते हैं और उस पानी से सिंचन का काम तो होता ही है, साथ में इसमें मछली का भी काम किया। और इस तरह के पॉली टैंक्स में आप सोचिए 0.3 से 0.7 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर इतना हम उपज ले रहे हैं, जो कि हमने इसके पहले कभी नहीं किया था। इस लेवल पे हम पहुंच गए। अगर उसको एक हेक्टेयर में आप देखें तो 3,000 से 7,000 किलोग्राम तक हम मछली पैदा कर सकते हैं। दोस्तों अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम बातें खेती की, जिसमें हम आपको खेती से जुड़ी हर जानकारी देते हैं जिससे आपको खेती करते वक्त मदद मिल सके। इस हफ्ते हमने आपको जानकारी दी थी क्रॉप इंश्योरेंस और क्रॉप कंपनसेशन से जुड़ी और बताया FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आइए बहुत कम समय में देते हैं आपको पूरी जानकारी। कृषि में बीमा की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बीमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर मैं ये कहूँ कि एक स्कीम है, और सिर्फ जीवन बीमा ही नहीं या आप अपने ट्रैक्टर का बीमा ही नहीं, आपको अपनी फसल का बीमा पे भी ध्यान देना चाहिए। बीमा का मतलब ये होता है कि आपके जो ऊपर रिस्क आने की संभावना है, आप अकेले उस रिस्क को नहीं संभाल पाएंगे,
और उस रिस्क को हम सोसाइटी में या जितने भी जो लोग इंश्योर करते हैं अपनी क्रॉप को या कोई भी, चाहे आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, घर की बात करें, तो जो आपका रिस्क है वो एक सोसाइटी में स्प्रेड हो जाता है। और जब भी अगर कोई बात नुकसान की बात होती है तो आपने तो जो पैसा लगाया प्रीमियम, आपको उससे ज़्यादा जितना नुकसान हुआ जिस स्कीम के हिसाब से आपने उसको इंश्योर किया उतना आपको कंपनसेशन मिलता है। तो जो आप अकेले एज ए इंडिविजुअल, एज ए किसान या एज ए सिटीज़न जो रिस्क आप खुद बियर नहीं कर सकते थे, बीमा एक ऐसी पद्धति है जिसमें आपका रिस्क एक समाज एक हिसाब से बियर करता है और आपको उसका कंपनसेशन मिल जाता है ताकि आप वापस अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो बीमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी समाज में, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और किसानों के लिए जो उसकी क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल। तो इसलिए जो कृषि बीमा है उसको किसानों को इसके बारे में समझना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसको अपनाना चाहिए। क्या कुछ स्टेप, कुछ मेजर ऐसे भी हो सकते हैं कि हमें कम से कम नुकसान हो और इसकी आवश्यकता ही ना पड़े या कम पड़े इंश्योरेंस की, बीमे की? एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिस तरह से खेती कर रहे हो, जिस फसल का आप चुनाव कर रहे हो, आप उस फसल का चुनाव करिए जो उस इलाके में, जहाँ पे भी आपका खेत है, आप उस इलाके के लिए वो सूटेबल हो, वहाँ की वातावरण को, वहाँ के क्लाइमेट को। हमें पता है कि वहाँ बारिश कब होती है, कब नहीं होती है, टेम्परेचर क्या रहता है। सर्दी का समय है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा, गर्मी है तो शायद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो जो भी आप फसल का सिलेक्शन करते हैं, जो भी क्रॉप का आप सिलेक्शन करते हैं, आप ये देखिए कि क्या वो क्रॉप उस एरिया में सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे किसान एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप एकदम ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट ना करें। हो सकता है कि आपको वहाँ पर बाजरा की रिकमेंडेशन हो, आप कहेंगे नहीं बाजरा में तो रेट अच्छे नहीं मिलते, मैं तो मूँगफली लगाऊंगा, मूँगफली में रेट अच्छे मिलते हैं। हो सकता है मूँगफली वहाँ के लिए सूटेबल ना हो। तो मेरा किसान भाइयों से पहला निवेदन यही है कि आप अगर लोन लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस हो ही जाता है। अगर आप किसी क्रॉप के लिए लोन नहीं ले रहे हैं तो कृपया करके आप अपना क्रॉप इंश्योरेंस कराएं ताकि सुख दुख के समय में आपके पास कुछ ना कुछ पूंजी तो हाथ में आए। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि कंपनसेशन का आधार क्या होता है। कंपनसेशन का आधार दो तरीके से आप देख सकते हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपने लागत कितनी लगाई, कम से कम उतना पैसा तो मिल जाए। अब किसान इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट जो किया, अब किसान कहेगा जी मैंने तो 50,000 रुपए लगा दिए, कोई बोलेगा मैंने 30,000 लगा दिए, कोई बोलेगा मेरा तो 15,000 का खर्चा हुआ। अब सरकार 50,000 को 50 और 25 को 25 तो देने वाली नहीं है। अब उसका आधार भी एक वैज्ञानिक आधार बनता है कि आपके यहाँ पे अगर आपने जरूरत से ज़्यादा कीटनाशक डाले, जरूरत से ज़्यादा आपने बीज डाले, जरूरत से ज़्यादा आपने कुछ और कार्रवाई करी खेत पे जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, तो आपकी गलती का खामियाजा सरकार तो नहीं उठाएगी। तो इसीलिए मुद्दा वहीं आ जाता है कि सही तरीका क्या है। कंपनसेशन भी सही तरीके के हिसाब से ही मिलेगा, ये बात किसानों को समझनी पड़ेगी। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो वैज्ञानिक दृष्टि से निकलेगी, ना कि मेरे खेत में और मेरे हिसाब से काम करने से, जो वैज्ञानिक दृष्टि से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी, जो लागत निकलेगी, सरकार उसके आसपास कुछ ना कुछ कंपनसेशन तय करती है। एफपीओस की जब हम बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 में ये शुरू हुआ है। क्या है, अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में समझूं, क्या है और इस किस तरीके से ये काम करता है? भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय के द्वारा SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के थ्रू ये किसानों के फ़ायदा और मदद के लिए, उनका पैदावार या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और हर तरह का मार्केट लिंकेजेस और जो भी उनके समस्या हैं उनका हल ढूंढने के लिए ये FPOs का स्कीम या ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा एक डिटेल स्कीम बनाया। और इसके लिए ये आगे चल के रिसोर्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हर तरह के मदद पहुंचाते हैं। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे कार्यक्रम देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास के सभी खबरों के साथ आपको अपडेट रखें और नई नई हलचलों के बारे में बताएं। आइए जानते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। संकट आने से पहले ही सरकार ने राहत की तैयारी कर ली है।
खरीफ सीजन के दौरान सूखा और कम बारिश की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ की खड़ी फसल बचाने के लिए डीजल और बीज पर सब्सिडी सहित 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की बैठक में इस पर फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन मंजूर किया गया है, जिससे डीजल और बीज सब्सिडी उपलब्ध कराया जा सकेगा। साथ ही बागवानी फसलों को बचाने के साथ ही चारे की आपूर्ति भी सुधारी जा सके। इसमें से 100 करोड़ रुपए फसलों की सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी योजना लागू करने के लिए आवंटित किया गया है। भारत सरकार और भारतीय किसानों की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि भारत अब चावल निर्यात में पिछड़ सकता है। अमेरिकी कृषि विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस साल भारत से ज्यादा थाईलैंड चावल की निर्यात करेगा। हम आपको बता दें कि लगातार 2 साल तक भारत चावल निर्यात में अव्वल रहे हैं, लेकिन 2015-16 के दौरान भारत से कुल मिलाकर 85 लाख टन चावल निर्यात होने की उम्मीद है, जबकि इस दौरान थाईलैंड से 102 लाख टन चावल का निर्यात होने की उम्मीद है। हालांकि अप्रैल से जून के दौरान भारत से पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चावल एक्सपोर्ट हुआ है। इस साल चावल के एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले करीब 8% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अब तक तो देश से चावल एक्सपोर्ट घटने की खबर नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद USDA भारत से एक्सपोर्ट घटने का अनुमान लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की जमकर तारीफ करते हुए उनके हित में कई योजनाओं और दूसरी घोषणाओं का ऐलान करते हुए कृषि हित में सरकार द्वारा की जा रही पहल की तारीफ की। मोदी ने बताया कि सरकार किसानों के सपनों को पूरा करने की दिशा में हर संभव कोशिश कर रही है। सरकार केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि देश के हर किसान को सिंचाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था हो सके। मोदी ने बताया कि सरकार सेफ एनर्जी सेफ फर्टिलाइजर मंत्र को लेकर चल रही है, ताकि कम खर्च पर ज्यादा उत्पादन और बेहतर दाम पाया जा सके। पंजाब के गांव आधुनिक ऊर्जा का फायदा उठाएंगे। केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पंजाब के लिए 800 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। सरकार की इस पहल से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिकीकरण करने के साथ साथ अधिक उन्नत बनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र आने वाले महीनों में पंजाब में सरप्लस रहने वाली बिजली की बिक्री को भी सुनिश्चित करेगा। पंजाब पहले ही देश में बिजली उत्पादन करने में अव्वल है। अब केंद्र सरकार की इस पहल से पंजाब के गांव और भी आधुनिक होंगे। इस पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग फीडर होंगे और तर्कसंगत रूप से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को बड़ी सफलता मिल सकती है, अगर केंद्र सरकार भारतीय अमेरिकी छात्रों की मदद ले। दरअसल अमेरिका में 2 भारतीय छात्रों ने एक अनूठा शोध किया है। इस तकनीक के जरिए कूड़ेदान में कचरा डालने पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वाईफाई ट्रैश बिन नाम की इस पहल का प्रयोग भारतीय शहरों में ही किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। अब इस तकनीक को और बेहतर बनाने की पहल की जा रही है। अगर भारतीय शहरों में इस तरह की सुविधाएं मिलने लगी तो काफी हद तक स्वच्छता अभियान को सफलता मिल सकती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साप्ताहिकी में। अब बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको हर बीमारी की पूरी जानकारी देते हैं, उपचार के साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर से भी मिलवाते हैं। इस हफ्ते हमने आरोग्य में बात की थी फिट एक्ट 50 पर। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ही होगा, हम अक्सर अपनी सेहत को लेकर बेफिक्र रहते हैं और खासतौर पर बुढ़ापे में आकर हम अपनी सेहत का ध्यान ठीक से नहीं रख पाते। ये कार्यक्रम खासतौर पर उन्हीं बुजुर्गों को समर्पित है जो 50 की उम्र को पार कर चुके हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको 50 से पार बुजुर्ग लोगों के खान पान से जुड़ी जानकारी के साथ ही मुलाकात करवाई थी एक्सपर्ट डॉक्टर से और जाना उनसे बहुत कुछ। आइए डालते हैं एक नजर। मोस्टली सीनियर सिटीजन इन चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं अब हमारा समय आ गया है। इन चीज़ों को रेगुलरली थोड़े थोड़े समय के बाद कराने से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, बेटर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट नीरज मेहता ने हेल्पेज इंडिया की मदद से एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें 50 से 70 साल तक के लोगों को फिट रहने के टिप्स दिए और साथ ही उन्हें कुछ व्यायाम और फिजियोथेरेपी भी बताई। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था कि बुजुर्ग लोग भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक बने और जाने कि इस उम्र में भी वो फिट कैसे रह सकते हैं। इस वर्कशॉप में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे
जो किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे थे और उन सभी लोगों को अपनी परेशानियों का हल इस वर्कशॉप में आकर मिला। देख के बहुत अच्छा लगा और ये आज के जो यंग पर्सन हैं, जो ओल्ड एज के लोगों को इतना केयर करते हैं और हमें सिखाते हैं, तो उससे आगे आने वाले भी जो है, आने वाली जनरेशन भी उससे प्रभावित होगी और हमारे जो फिटनेस की बात है, जो हम ओल्ड एज के लोग हैं, ये हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक यंग जनरेशन हमें सपोर्ट कर रही है। बेसिकली मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमें सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा फैलानी चाहिए, सिर्फ वंस नहीं, मे बी एवरी ईयर और टू। ये चीज़ें हम बुज़ुर्गों के लिए हमें रिमाइंड कराती हैं कि हमें अपनी लाइफ कैसे प्रोलॉन्ग करनी है, हमें अपनी लाइफ एक्टिव कैसे रखनी है। उन चीज़ों के लिए शायद आपका ये जो एफर्ट है बहुत ही बढ़िया है। कभी बुज़ुर्ग के बाद में बुज़ुर्ग होते के साथ ही दुनिया भर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती शरीर के अंदर जो है, और तो इसके साथ साथ अगर इस तरह से हम लोगों को कहीं से भी आकर के कोई चीज़ को थेरेपी वगैरह कोई भी चीज़ सिखाते तो उससे हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, उससे हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है और भी ज़्यादा। रीमा जी, हमारे बुज़ुर्गों की जब उम्र आगे बढ़ने लगती है या हम 40 से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमें घेरने लगती हैं। उनमें सबसे पहली समस्या होती है हमारे पाचन क्रिया की। ज़्यादातर बुज़ुर्गों की शिकायत ये होती है कि उन्हें कोई भी खाना नहीं पचता है, तो ऐसे में क्या खाया जाए और किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएं ताकि वो इस उम्र में भी खाने को पचा सके और तंदुरुस्त रह सके। जैसा अभी आपने बोला कि बेसिकली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी पाचन शक्ति जो है थोड़ी वीक हो जाती है। वो क्यों वीक होती है, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो कोलोन सिस्टम होता है वो ठीक से जो भी खाने को पुश नहीं कर पा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव कैनाल में। उससे क्या होता है कि हमारी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स, इनडाइजेशन प्रॉब्लम सारी हो जाती हैं। उसके लिए हम अगर अपना थोड़ा खाना पीना ठीक ठाक रखें तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक से चल सकती हैं। अगर आप ज़्यादा फाइबर लेंगे, ज़्यादा फल, कच्ची सब्जियां, सलाद वगैरह लेंगे, अपनी डाइट में जूस ज़्यादा ना लेके 4 मौसमी खाएंगे जिससे फाइबर भी जाएगा और उसका विटामिन मिनरल भी जाएंगे, तो उससे आपकी पाचन शक्ति बेटर रहेगी। ठीक है, पानी का इंटेक जितना ज़्यादा होगा, फ्लूइड्स का इंटेक जितना ज़्यादा होगा, उतना अच्छा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा। और खाना जो आप लेंगे रात को कोशिश करें कि थोड़ा लाइट रखें, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं मुनाफों से जुड़ी खबर। मुनाफे की में सबसे हमने चर्चा की थी सोयाबीन, कॉर्न, कैस्टर सीड और मौसम से जुड़ी। सोयाबीन को लेकर यूएसडीए रिपोर्ट में 7 मुख्य बातें। साल 2015-16 के दौरान दुनिया भर में सोयाबीन का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर 32 करोड़ टन के पार जाने का अनुमान है। वहीं जुलाई की रिपोर्ट में 31.89 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान था। 2015-16 में अमेरिका में उत्पादन 10.65 करोड़ टन होने का अनुमान जारी किया गया है, जबकि जुलाई में ये अनुमान 10.57 करोड़ टन का था। पिछले साल अमेरिका में 10.80 करोड़ टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ। माना जा रहा है कि इस साल सोयाबीन का एंडिंग स्टॉक 8.68 करोड़ टन हो सकता है। वही जुलाई में ये अनुमान 9.18 करोड़ टन का था। जानकारों की माने तो सोयाबीन की खपत चीन में बढ़ सकती है। अगस्त की रिपोर्ट में चीन का इम्पोर्ट 7.90 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया था। वहीं जुलाई की रिपोर्ट में 7.70 करोड़ टन का अनुमान था। चीन में एंडिंग स्टॉक 1.61 करोड़ टन का है। वहीं जुलाई में ये अनुमान 1.39 करोड़ टन का था। ब्राजील में इस साल के लिए सोयाबीन के एंडिंग स्टॉक में भारी कटौती की गई है और स्टॉक 1.83 करोड़ टन रहने का अनुमान जारी किया गया है। इससे पहले ये अनुमान 2.55 करोड़ टन का था। इस साल ब्राजील के एक्सपोर्ट के अनुमान में 37 लाख टन बढ़ोतरी के साथ एक्सपोर्ट 5.45 करोड़ टन होने का अनुमान जारी किया गया है। माना जा रहा है कि साल 2015-16 के दौरान दुनिया भर में मक्का का उत्पादन 98.56 करोड़ टन रह सकता है, जबकि जुलाई की रिपोर्ट में 98.71 करोड़ टन उत्पादन का अनुमान था। जानकारों की माने तो सीजन की शुरुआत 19.74 करोड़ टन के स्टॉक के साथ हो सकती है। वहीं जुलाई में 19.39 करोड़ टन का अनुमान जारी किया गया था। इसके साथ अमेरिका में भी उत्पादन अनुमान से ज्यादा हो सकता है।
अमेरिका में पहले 18.99 करोड़ टन मक्के के उत्पादन का अनुमान था, जो अब बढ़कर 34.76 करोड़ टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं बात अगर एक्सपोर्ट की जाए तो अमेरिका से एक्सपोर्ट का अनुमान घटा है। साल 2015-16 में एक्सपोर्ट 4.96 टन होने का अनुमान है, जबकि जुलाई की रिपोर्ट में 4.76 करोड़ टन का अनुमान जारी किया गया था। उधर यूरोपियन यूनियन में उत्पादन घटने के साथ इंपोर्ट भी बढ़ सकता है। उत्पादन घटकर 6.22 करोड़ टन होने की संभावना है, जबकि इंपोर्ट बढ़कर 1.50 करोड़ टन होने का अनुमान है। चीन में उत्पादन घटकर 22.50 करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया, जबकि जुलाई की रिपोर्ट में उत्पादन अनुमान 22.90 करोड़ टन का था। निर्मल जी, जिस तरह से यूएसडीए ने सोयाबीन के लिए कुछ जो आंकड़े हैं वो निकाले हैं, उसी तरह से मक्के के लिए भी उनकी एक रिपोर्ट जारी हुई है। मक्के में भी उन्होंने उत्पादन, खपत और कैरीबर स्टॉक को लेकर और इंपोर्ट को लेकर कुछ बातें यहां पर कही हैं। क्या लगता है, अब अगर हम मक्के का यानी कि कॉर्न का अगर बाजार देखते हैं तो उसका क्या सिनेरियो है? मक्के के बाज़ार में भी सोयाबीन के बाज़ार के तर्ज पे ही रिपोर्ट आई है। मुझे लगता है मक्के के भाव में भी अभी यहाँ पे कमी जो है वो देखने को मिलेगी। खास तौर से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करें या अमेरिकी बाज़ार की बात करें, सीबॉट की बात करें, तो वहाँ पे मुझे लगता है भाव अभी जो है वो मंदे रहने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छा होगा ऐसे एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं, और जो कैरी ओवर स्टॉक है या जो सप्लाई साइड है तो उसमें भी यहाँ पे स्टॉक में भी यहाँ पे बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि भारत की अगर आप बात करो तो भारत में इस साल मक्के की बुआई अच्छी हुई है, लेकिन पिछले सीजन की अगर बात करें तो पिछले सीजन में अच्छी बुआई नहीं हो पाई थी, वो मौसम के ही कुछ फैक्टर रहे थे, अलनीनो जैसा फैक्टर रहा था, तो उसके चलते पिछले साल यहाँ पे उतनी अच्छी बुआई नहीं हो पाई थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात हमारे कार्यक्रम अनोखी की। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको ऐसी शख्सियतों के बारे में बताते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो या फिर उनका काम बाकी समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का सबब हो। सड़क पर जब कोई गरीब दिखता है तो हम क्या करते हैं? हम में से ज्यादा लोगों का जवाब होगा या तो उन्हें देख के मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उनको पैसे या कुछ खिलाकर चले जाते हैं, है ना? लेकिन लखनऊ की रहने वाली अंजलि सिंह ने ऐसे ही कुछ गरीबों के रोजगार के लिए सशक्त कदम उठाए हैं। वो चाहती हैं कि कोई गरीब दूसरों के सामने अपनी गरीबी को लेकर हाथ ना फैलाए और साथ ही खुद मेहनत कर पैसे कमाए। अक्सर ऐसा होता है जब हम सड़क किनारे किसी गरीब या लाचार इंसान को देखते हैं तो हमारे दिल में कई तरह की भावनाएं एक साथ जन्म लेती हैं। हम सोचते हैं कि काश हम उन लोगों के लिए कुछ कर पाते। कभी कभी हम उन्हें चंद रुपए देकर या किसी और तरीके से मदद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, हम उस बात को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चंद दिन या थोड़े समय के लिए इनकी मदद नहीं करते, बल्कि ताउम्र के लिए इनके विकास के बारे में सोचते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है अंजलि सिंह, जो लखनऊ की एक सफल उद्यमी में से एक है। 8 साल की जब मैं थी तो एक बार जब मैं स्कूल से लौट रही थी तो मैंने ना फुटपाथ पे बच्चों को और गरीब महिलाओं को काम करते हुए देखा था। बच्चे कुछ रो रहे थे, तब मुझे लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए इन लोगों के लिए। वो एक दबी हुई इच्छा शायद, वो बड़े होकर जब मैं ये ट्रेनिंग, जूट की ट्रेनिंग वाली महिलाओं को मैंने देखा, बहुत सी थी, इच्छुक थी, नीडी थी, जिनको पैसों आर्थिक रूप से सहायता चाहिए थी, उनको उनके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ। और फिर मैंने अपनी फाइनली जॉब छोड़ी और इस काम में मैं लग गई। अंजलि बताती हैं कि शुरुआती दौर में उनके लिए ये दिक्कत थी कि वो अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेचे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो बना रही हैं उसे बेचने और खरीदने के लिए उन्हें मार्केट की जरूरत थी। इसलिए सबसे पहले उनका ये लक्ष्य था कि वो इसका हल निकाले और अपने लिए मार्केट ढूंढे। मार्केटिंग करना बहुत टफ है आजकल के जमाने में, बट लकीली मैं कहूँगी, फॉर्चुनेटली, कि हम लोग बहुत लकी थे इसकी मार्केटिंग करने में,
2009 में जब शुरुआत की तो सोचा नहीं था कि इतना करना पड़ेगा और ना इस स्तर पे आने की सोची थी। बट जब शुरू किया तो मैं और कुछ साथी महिलाएं जो हमारे संग शुरू में जुड़ी उनको लेकर हम लोग एक एक ऑफिस में जाते थे। टारगेट था कि दिन में 5 ऑफिस कवर करने हैं। सबके यहाँ जाके हम लोग सैम्पल्स दिखाते थे लोकल मार्केट में। हमने ये नियम बनाया था कि हम सिर्फ सरकारी दफ्तरों में और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही जाएंगे, दुकानदारों के पास हम कभी नहीं गए। तो हम लोग ऑफिसेज में जाते थे, वहाँ पे टॉप मोस्ट ऑफिशियल से बात करते थे। मैं एक MBA हूँ तो मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे क्या बात करनी है वो अच्छे से आता था। 8 साल का नौकरी का एक्सपीरियंस था तो वो काम हमने बखूबी निभाया। तो जब भी किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे तो अधिकारी बड़े प्रोत्साहित होते थे देख के और प्रोत्साहन देते भी थे कि एक तो महिला है और ऊपर से इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस वजह से भी हम लोग को थोड़ी वरीयता मिलती थी। अंजलि की NGO भी जूट से बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जूट से नए नए प्रयोग कर रही है जिनसे वो रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजों को तैयार करती है जो न केवल देखने में खूबसूरत है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। जूट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल प्लास्टिक पॉलीथीन सब बहुत नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को। जूट ये आपका मिट्टी में मिल जाता है, कभी ख़राब नहीं होता, रिसाइकलेबल है, आप उसको नष्ट करके आप दोबारा बना सकते हो, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है और पैसे कम पैसे में आपको लाइफ लॉन्ग चीज़ मिलती है। अगर आप प्लास्टिक लेकर आते हो 2 दिन में आप फटके फेंक देते हो फाड़ के, लेकिन आप जूट का बैग अगर आप ले लोगे तो वो शायद आप बोर हो जाओगे लेकिन वो फटेगा नहीं, वो लाइफ लॉन्ग उसकी है लाइफ है। फिलहाल साप्ताहिक में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। अब बात पशुपालन से जुड़ी। पिछले हफ्ते हमने बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन कैसे किया जाता है और इस बार भी हमने इसी चर्चा को आगे बढ़ाया। अब आपको हम ले चलते हैं आगे ना कि स्नो ट्राउट, जो स्नो ट्राउट जो है हमारी देसी प्रजाति है, हमारी भारत की है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के नदी नालों इसमें गदेरों में पाई जाती है। अब इनको है लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं, कभी तो नदी नालों इन सब में पाई जाती थी, हम तालाब में किस तरीके से संवर्धन करें ताकि हम स्नो ट्राउट का उत्पादन तालाब में एक क्लोज कंडीशन में कर सकें। उसके लिए ज़रूरत क्या है, कितना पानी चाहिए, कितना फीड चाहिए, कैसा कंडीशन चाहिए, उस पर हम शोध कर रहे हैं, हमारी उस पर प्रोजेक्ट चल रही है। तो एक तो ये चाहिए कि जैसे 1 क्यूबिक मीटर तालाब में कितना नंबर डालें स्नो ट्राउट की, तो आराम से इस देख रहे हैं जो आप, ये सब जो है हम डिफरेंट स्टॉकिंग डेंसिटी में रखा है हमने स्नो ट्राउट को। उसके बाद दूसरा है उनको डिफरेंट, जैसे कि आपने फीड दिखाया बनाते हुए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डिफरेंट कॉम्बिनेशन का फीड बनाते हैं। जैसे कि अभी हमने स्नो ट्राउट के बारे में बताया कि जो हमारे गधेरों में, तालाब इसमें जो है, नदियों में, पहाड़ी क्षेत्रों के इन सब में पाई जाती है, उनकी टेक्नोलॉजी फार्म कंडीशन में कैसे करें ये हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कि कितनी उनको पानी की मात्रा चाहिए, कितना एक मछली के लिए कितनी वो चाहिए, कितना फीड चाहिए, कैसा फीड चाहिए, फीड में भी लार्वल फीड कैसे है, बड़े एडल्ट फीड कैसे है, जैसे स्नो ट्राउट का ये है आपको दिखा रहे हैं जी। सर आप बता रहे हैं हमें स्नो ट्राउट के बारे में, क्या विशेषता है इसकी? स्नो ट्राउट एक ऐसी स्पीसीज है जो हमारे इंडियन स्नो ट्राउट है जी, जो कि इसका वाइड टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर है। जैसे कभी आपने बताया हमने रेनबो ट्राउट के बारे में, वो हाई एटीट्यूड पर ज़्यादा कोल्ड में ही रह सकती है, एक को बताया कि केवल वार्म में रह सकती है। ये ऐसी स्पीसीज है वो उच्चवर्ती क्षेत्रों में और मध्यवर्ती दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इसका जो है आजकल ग्लोबल वार्मिंग, इसकी कल्चर की टेक्नोलॉजी विकसित होने पर ये बहुत ज़्यादा हमारे, चूँकि इंडियन स्पीसीज है, इसका संरक्षण हो सकता है और इसको काफ़ी टेम्परेचर टॉलरेंस की वजह से इससे बहुत लाभ कमाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं ये कितनी बढ़िया अर्ब वर्ष है इसके माउथ का जी, जिस तालाब में आप देख रहे हैं उसमें काई तक नहीं मिल रही है, ये देखिए ये बिल्कुल टॉलरेंस, ये यहाँ से चिपक जाती है जी। चिपक करके पूरा तालाब भी देखिए बिल्कुल
सहायक मिलेंगे। बिल्कुल, ये जो पत्थर है उनके बीच बीच में छुप के अपने को बचा लेती है पहाड़ी, इस तरीके से इनको करते। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको स्टॉकिंग पूरा देख रहे हैं, डिफरेंट स्टॉकिंग डेंसिटी पर रखा गया है। मतलब ये मछली को पालने के लिए एक क्यूबिक मीटर में कितनी इसकी स्टॉक रखा जाए जी। किस तरीके का फूड इनका डेवलप किया जाए और किस तरीके से इनके कौन कितना परसेंट प्रोटीन विटामिन मिनरल ये सब चीज़ का डिफरेंट कॉम्बिनेशन दे करके डिफरेंट लार्वल स्टेज का एडल्ट स्टेज का ब्रीडिंग के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। अब देखिए सिल्वर कार्प आपको दिखाते हैं जो कि ग्रास कार्प सिल्वर कार्प कॉमन कार्प से साथ पाली जाती है जी। अब देखने से ही लग जाता है ये देखिए ये सिल्वर ये देखिए छोटे छोटे उसके देखिए ग्रास कार्प आप निकालिए तो ये ग्रास कार्प देखिए ये जो घास खाने जो अभी आपने अंदर देखा है इसके स्केल कितने बड़े बड़े हैं, सिलेंड्रिकल साइज लंबे हैं, इसके स्केल बिल्कुल छोटे छोटे हैं और थोड़े चांदी जैसी चमक रही है देखिए बिल्कुल। हाँ फील करिए तो दांत हैं बड़े बड़े जो पूरे घास को कट कर करके खा जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। सिल्वर कार्प है ऊपर रहती है, काई आराम से खा लेती है, तालाब को बिल्कुल साफ कर देती है जी। ये है तो ये सिल्वर कार्प है, ये सिल्वर कार्प और वो ग्रास कार्प है। कॉमन कार्प का हमने वहाँ डिटेल में आपको दिखाया जी। ये तो बात हुई सिल्वर कार्प की और ग्रास कार्प की, लेकिन अब हम आपको बताएंगे रेनबो ट्राउट के बारे में। सर रेनबो ट्राउट के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। रेनबो ट्राउट ये बताते हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया उच्च हिमालय क्षेत्रों के लिए या उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ का पानी का टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री तक रहता है जी, तो उसमें रेनबो ट्राउट पालने के लिए सबसे उत्तम होता है जी। तो ये आपको देखिए आप रेनबो ट्राउट जी, जैसा कि आपको कलर से ही पता लग रहा है बिल्कुल रेनबो कलर हो रहा है, बीच में देखिए रेड है और उसमें अभी ब्लैक स्पॉट्स भी हैं, ब्लैक स्पॉट्स में है वो कलर्ड है, तो इसलिए इसका नाम रेनबो ट्राउट पड़ा है जी। तो यहाँ चंपावत केंद्र मुख्य ये एग्जॉटिक स्पीसीज है, विदेश से लाई गई है, भारत में इंट्रोड्यूस की है सबसे पहले ये साउथ इंडिया में अंग्रेज लोग लाए थे, धीरे धीरे ये पूरे क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर ठंडा है तो वहाँ पर किया गया। ये बहुत ही उच्च प्राइस डिफिस होती है, 5 स्टार होटलों में या उसमें बहुत ज़्यादा महंगी ये बिक्री होती है। इनका पालन भी काफ़ी इजी है, इसी नहीं है, लेकिन यह है कि प्योर चूँकि कैप्टिव कंडीशन में रखी जाती है तो इनको आर्टिफिशियल फीड देना पड़ता है, नेचुरल फीड पर ही डिपेंड नहीं है पालन के समय में। तो इसमें मेनली है कि इसमें पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, इसमें चूँकि थोड़ा सा बाहर ज़्यादा देर तक निकाल लीजिए मछली मर जाती है, अब रनिंग वाटर रहेगा नहीं रहने पर भी मछली मर जाती है, कि डीओ कम से कम 7 जो है मिलीग्राम पर लीटर मेंटेन ही रहना चाहिए और पीएच 6.8 से 8 के बीच में रहना चाहिए और पानी हमेशा चल बहता हुआ साफ पानी रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कार्प के देखें गंदा पानी भी रहेगा वो भी रहेगा चल जाती है, लेकिन इसमें देखिए बिल्कुल साफ पानी बहता पानी है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा का विषय होगा रोजगार, तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात हमारे कार्यक्रम रास्ते और भी है की, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद रहता है कि हम कुछ नया दिखाएं और कुछ ऐसा दिखाएं जिससे करके आप अपने सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके, क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि क्या करें और कैसे करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको देते हैं आपके रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी कि क्या रोजगार अपनाएं और कैसे मुनाफा कमाएं। इस हफ्ते हमने रास्ते और भी हमें आपको बताया था कि राखी बनाकर आप कैसे इसमें कमा सकते हैं ढेरों मुनाफा। हमारे देश में हर 10 कदम पर भाषा, बोली, पहनावा, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, कला और त्यौहार बदल जाते हैं। 29 राज्य में करीब 120 अलग अलग किस्म के त्यौहार हैं और इन्हीं त्यौहारों में से एक है रक्षाबंधन। कहते हैं ना, जितने लोग उतने ही अनोखे उनके अंदाज भी होते हैं, वैसे ही हर पर्व तो प्यार, एकता और सबकी खुशी के लिए मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन खासकर भाई बहन के प्यार को उजागर करता है और इस त्यौहार में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। राखी कच्चे सूत जैसे सस्ती चीजों से लेकर रंगीन कलावे, रेशमी धागे और सोने या चांदी जैसे महंगी चीजों तक की होती है। ऐसे में आप राखी के मौके पर राखी अपने हाथों से बनाकर बेच सकते हैं और इसे एक वैकल्पिक रोजगार बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान जो खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके पास साल में सिर्फ
5-6 महीने काम होता है। ऐसे में खाली समय में वो राखी बना सकते हैं और उसे राखी के मौके पर बाजारों में बेच सकते हैं। इससे उनकी अतिरिक्त कमाई भी हो जाएगी और उन्हें काम भी मिल जाएगा। चाहे तो वो अपने घर से भी इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये हैं गीता, जो विविध फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। इनके पति एक निजी बैंक में काम करते हैं। अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए ये राखी बनाती हैं और उसे बेचती हैं। राखियाँ बना रहे हैं हम, तरह तरह की राखियाँ बना रहे हैं। राखी का त्यौहार आगे आने वाला है तो हम काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर राखियाँ बना रहे हैं ताकि लोग खरीद सकें और उसको बेच कर हम उससे कुछ पैसे कमा सकें। ये चमकीला पेपर है, ये स्केच पेन है। इसको हमको रोल स्केच कलर के लिए यानी कि उसके साइज़ को लेने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये फेविक्विक है, इसे हमें चिपकाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये सीज़र है, हमें धागा काटने के लिए ज़रूरत होती है। ये कुछ मोती हैं जिसे हमें चिपकाने होते हैं। ये भी कुछ मोती हैं जिसे हमें उसमें डिज़ाइन देने होते हैं। ये सारे मटेरियल हमारे पास होंगे और ये धागा है, इससे हम इसको बांधने के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। ये जो चमकीला पेपर है, आप इसको इस तरीके से काटेंगे, इसमें से जो आपको जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही लीजिए जितना आपको डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से काट के हम इसको निकालेंगे। इसको गोल सर्कल जैसे आपको बनाना है, जिस टाइप की आपको राखी बनानी है आप उस तरीके से इसको काट सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये गोल सर्कल आप इसको काट सकते हैं। ये हमने इस तरीके से गोल सर्कल इसका काट लिया। अब इसके अंदर हम ये फेविक्विक लेंगे। इस फेविक्विक को यहाँ पे इससे हम इसको हम इस तरीके से रख के इस पर हम ये फेविक्विक लगाएंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत है इतना भी मत लगा दीजिए जिससे फेविकुल फैल जाए। बस इतना लगाइए जिससे हम स्टोन इसका यूज़ कर सके, इस हमारे स्टोन जो चिपक जाए बिल्कुल थोड़ा सा। ये स्टोन लेंगे हम, इसको हम लोग इस स्टोन को ये बीच में चिपका देंगे इस तरीके से। उसके बाद ये कुछ छोटे स्टोन्स ले लेंगे, कोई भी कलर के आपको जो भी चाहिए, उसको ऐसे लेकर ये इस तरीके से इसको साइड में हम लोग चिपका देते हैं। इस तरीके से आप इसको सर्कल में चिपका सकते हैं। आप स्टोन के जगह मोती का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी कलर के, कोई भी किसी भी डिज़ाइन के, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए आप वैसा बना सकते हैं। ये कुछ स्टोन है जो मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये इस तरीके से हम लोग इसको चिपका देंगे। मैंने ये जो स्टोन है ये इस कलर के लिए, आप चाहे कोई भी कलर के स्टोन ले सकते हैं और इसको सूखने के लिए रख दीजिए। जैसे ये सूख जाएगा अब इसके बाद हम ये धागा लेंगे, ये सुई लेंगे। इसमें हम इस धागे को इस तरीके से, ये आपके साथ जो भी सुई हो मोती इजीली जो भी चले जाए आप उस धागे का वो सुई का यूज़ कर सकते हैं। मेरी सुई नहीं जाती है तो इसलिए मैं इस धागे का यूज़ करती हूँ। तो इसमें हम ये छोटे मोती इस तरीके से ये डालेंगे। ये डाला हमने, ये चार मोती डालने हैं हमने इसको, चार मोती डालने के बाद हम इसको निकाल के इसमें डाल देंगे इस तरीके से। फिर इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से, हम इसमें ये चार मोती डाल दिया सिंगल में। फिर इसको हम इस तरीके से पकड़ के ये ऐसे डबल करेंगे। अब ये जो है मैंने इसका दूसरा साइड भी जो है जोड़ दिया है। अब ये इस तरीके से हमारी राखी तैयार हो गई है। ये हमारी इस तरीके से आप इसको बांध के, और बहुत सुंदर लग रही है। ये जो स्टोन है अगर आप इसका यूज़ ना करना चाहें तो आप कुछ नगों के मटेरियल आता है बाहर से, ये रेडीमेड आता है, ये मोती आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, बस इसको डाल के आप इसको और सुंदर बना के और इस तरीके की भी राखियाँ तैयार कर सकती हैं। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा सिंपल राखी चाहिए, ये मोती लीजिए, 2-3 मोती डालिए, ये भी बहुत सुंदर राखी है। छोटे बच्चों को बांधिए, किसी को भी बांधिए, बहुत प्यारी लगती है। मेरी राखी जो है बनके तैयार हो गई है। अब आप भी, मैं आशा करती हूँ आप भी अपने घर में इस तरीके से राखी तैयार करेंगी और उसको बेच सकती हैं, बाहर जाके पैसे भी कमा सकती हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी राखी जो है बहुत पसंद आई होगी। आप इसको ट्राई करिए, घर में बनाइए। मुझे यकीन है कि जो भी मैंने आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।